तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। कुछ चेंजेज लग रहा है? हाँ दोस्तों, दाढ़ी उड़ा दिया। अब क्या है कि देखिए, सावन था और सावन में जो है बाल दाढ़ी कटाते नहीं बनता है, तो दाढ़ी तो मेरा उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो जो भी है दोस्तों, सावन में बहुत बढ़ गया था, पता है हमको कुछ अजीब सा दिख रहे थे सावन भर। तो जो भी दोस्तों, सावन खत्म, इसलिए दाढ़ी को उड़ा दी है। तो जो भी है, आप लोग तो जो है टाइटल और थंबनेल को देख ही लिए होंगे, आज हम लोग बातें करने वाले Mi A3 के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन को लेकर एक अलग से हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जगह वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो इस फ़ोन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छा से आप जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात है इस फ़ोन की, तो इस फ़ोन में कई सारे कमी आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कमियाँ दोस्तों इस फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि इस फोन को लेकर बहुत सारे कोई मतलब वीडियो बना रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे कि फोन फोन ऐसा है, फलाना है, ढकाना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये फोन जो है मतलब काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, काफ़ी ज़्यादा दाम रखा है। अगर प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन में जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब मेरे ख्याल से वह जस्टिफाई बिल्कुल ही नहीं। कुछ कुछ इतना खराब इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब क्या कहें आपको। क्योंकि दोस्तों ये फोन एक शाओमी का फोन होने वाला है, शाओमी Mi A3। तो ये फोन एक शाओमी का फोन होने वाला है। इस फोन का जो कैमरा सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा। इस फोन का डिज़ाइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस फोन का जो प्राइस रखा गया है उस हिसाब से दोस्तों, इस फोन में जो सारे स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, जो सारी चीज़ इसमें होना चाहिए था दोस्तों, सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में मेरे ख्याल से इस फोन में आपको काफ़ी सारा कमियाँ देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आप अगर इस फोन को खरीदने का मन बना रहे, मतलब आप अगर Mi A3 को खरीदने का मन बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ बड़ी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई यूट्यूब में आजकल मतलब इस फोन को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, जो कि भाई गलत बात है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ नहीं करना कि जो सच है, क्योंकि इस फोन में काफी सारे कमियां दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, उस सारे चीज के बारे में बताना चाहिए। अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से दोस्तों इस फोन में काफी सारे कमियां आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है। तो जो भी है दोस्तों, Mi A3 में जो सारे कमियां है उसी के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में बातें करने वाले कि Mi A3 में क्या क्या चीज कमी आपको देखने को मिल जाता है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो कमी है इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, वो हो गया इस फोन का डिस्प्ले को लेकर के। मतलब इस फोन में आपको मिलता है HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। मतलब दोस्तों इस फोन का दाम रखा गया है 15,000 के आसपास, मतलब 15,000 के आसपास इस फोन का प्राइस शुरू होने वाला है हमारे देश में। तो ऐसे में 15,000 रुपये में आपको मिल रहा है HD+ डिस्प्ले, मतलब इस फोन का जो डिस्प्ले उसमें HD+ रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई बहुत ही बेकार, मतलब एकदम क्या बोले आपको, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मतलब दोस्तों देखिए, शाओमी का भी बहुत सारा फोन है, रेडमी का बहुत सारा फोन है, जो कि 10,000 के अंदर में आता है, उस फोन में आपको फुल HD+ के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। लेकिन जहां तक बात रहा इस फोन की, तो इस फोन का प्राइस आपको शुरू होने वाला है 15,000 रुपये के आसपास से, लेकिन 15,000 रुपये आपको मिल रहा है HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि भाई बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करता है। हाँ हाँ, मान रहा है कि इस फोन का जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, जो कि अच्छे बात है। लेकिन भाई एमोलेड डिस्प्ले ठीक है, लेकिन भाई HD+ ये कहाँ का नियम हो गया भाई? 15,000 रुपये आप HD+ डिस्प्ले दोगे तो भाई ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो HD+ डिस्प्ले होता है ना, उसमें जब आप वीडियो वगैरह देखेंगे तो उसमें जब फुल HD कंटेंट वगैरह नहीं देख पाएंगे, कि फुल HD कंटेंट आप देखेंगे भी तो भाई उसमें तो HD+ का डिस्प्ले लगा हुआ है, आप कहाँ से उसको एंजॉय कर पाएंगे। उसको जब फोटो वगैरह आप खींचेंगे ना, कैमरा अच्छा है, मान लो झकास कैमरा होने वाला है इस फोन का, लेकिन भाई जब फोटो को आप ज़्यादा जूम करेंगे ना, अच्छा फोटो आप खींच लिया कैमरा से मान लिया हो, लेकिन जब फोटो को आप देखेंगे डिस्प्ले में, जब ज़्यादा जूम करेंगे तो भाई पिक्चर जो है एकदम पूरा क्लियर आपको नजर आएगा। क्योंकि भाई इस फोन में आपको काफ़ी मतलब इस फोन का डिस्प्ले काफ़ी आपको कम रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों 10,000 रुपये के अंदर कई सारे फोन आप कैसे देखने को मिल जाएगा, जो सारे फोन के डिस्प्ले में आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। लेकिन इस फोन का प्राइस शुरू होने वाला है 15,000 रुपये के आसपास है, लेकिन दोस्तों 15,000 रुपये के प्राइस होने के बावजूद भी इस फोन में आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। इस फोन का डिस्प्ले आपको मिलता है HD+ का रेजोल्यूशन, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। दोस्तों ये जो है इस फोन का बहुत बड़ा कमी है कि इस फोन का डिस्प्ले में आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि भाई बहुत ही गलत बात है। कम से कम फुल HD+ का रेजोल्यूशन इस फोन का डिस्प्ले में जरूर होना चाहिए था। दोस्तों उसका जो दूसरा कमी है इस फोन आपको देखने को मिल जाएगा, वो होगा इस फोन का प्रोसेसर को लेकर। मतलब दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon 665 प्रोसेसर। देखिए आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो Snapdragon 665 है ना, ये खराब प्रोसेसर नहीं है, आपको एक अच्छे प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों 15,000 का लाइक नहीं है। मतलब इस फोन का प्राइस अगर 10-12,000 के आसपास होता तो हम लोग को समझ में आता भाई ठीक है चलो, लेकिन दोस्तों इस फोन का प्राइस जो है दोस्तों 15,000 के आसपास रहने वाला है। तो ऐसे में इस फोन का प्राइस अगर 15,000 के आसपास होगा और इस फोन में आपको मिल रहा है Snapdragon 665, तो बहुत ही गलत बात है। देखिए दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, कुछ दिन बाद रियलमी का एक फोन जो है मार्केट में आने वाला है, जिस फोन का प्राइस 10,000 के आसपास होने वाला है, और उस फोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। मतलब उस फोन में आपको Snapdragon 665 देखने को मिल जाएगा, जबकि उस फोन का प्राइस जो है 10,000 के आसपास रहने वाला है। तो इस फोन का प्राइस दोस्तों 15,000 के आसपास होने वाला है, लेकिन फिर भी इस फोन में आपको देखने को मिल जा रहा है Snapdragon 665, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। दोस्तों ये भी जिस फोन का एक बहुत बड़ा कमी है कि इस फोन में जो जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है, उस हिसाब से इस फोन में आपको अच्छे प्रोसेसर नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों ये इस फोन का बहुत बड़ा कमियाँ है। दोस्तों उसका जो तीसरा कमी इस फोन आपको देखने को मिल जाएगा, वो होगा इस फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन को लेकर के। मतलब दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं इस फोन में आपको
एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, उसमें आपको देखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। लेकिन दोस्तों इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफी स्लो काम करता है, काफी स्लो काम करता है दोस्तों। आपको आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो भी सर अनबॉक्सिंग वाले वीडियो या जो भी सर रिव्यू वीडियो इस फोन का आप देखे होंगे यूट्यूब में, आप सारे के सारे वीडियो को देख लीजिएगा। सारे के सारे वीडियो में आपको एक ही बात सुनने को मिलेगा इस फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर के, कि भाई इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफी स्लो है, बहुत ही स्लो है। मतलब भाई टैप करने का काफी देर बाद जो फोन आपका अनलॉक हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को ना देकर इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर होता रहा, अगर काफी फास्ट होता दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों जो कि इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है लेकिन दोस्तों काफी स्लो है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से शाओमी को इस फोन में जो है एक आईपीएस डिस्प्ले देना चाहिए था, और साथ में फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन उसमें देना चाहिए था, और साथ में जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के चक्कर में ना पड़ के एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अच्छे जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था, डिस्प्ले भी अच्छे होना चाहिए था, जो कि इस फोन को देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोस्तों कहीं ना कहीं भी जो इस फोन का बहुत बड़ा कमी है कि इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक से काम नहीं करता है, थोड़ा स्लोली काम करता है, मतलब काम करता है लेकिन दोस्तों काफी स्लोली काम करता है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस फोन का बहुत बड़ा कमी है। उसका जो चौथा कम इस फोन को देखने को मिल जाएगा वो होगा इस फोन का प्राइस को लेकर के। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं इस फोन का प्राइस जो है 15,000 के आसपास होने वाला है। दोस्तों इस फोन का प्राइस जो है काफी ज्यादा रखा गया है। मतलब इस फोन में आपको ढंग का डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है, ढंग का मतलब आपका जो है प्रोसेसर देखने को नहीं मिल रहा है, और दोस्तों इस फोन का प्राइस इतना ज्यादा रखा गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत बात है। मतलब इस फोन का प्राइस अगर 10-12-11 हज़ार मतलब 12,000 के आसपास होता तो दोस्तों ठीक था, लेकिन इस फोन का प्राइस डायरेक्ट रखा गया है 15,000। तो ऐसे में मेरे ख्याल से 15,000 रुपये के अंदर इस फोन का प्राइस होने वाला है, लेकिन दोस्तों 15,000 रुपये का लाइक इस फोन आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। मतलब ना प्रोसेसर ढंग का मिल रहा है, ना दोस्तों डिस्प्ले ढंग का मिल रहा है, ना दोस्तों इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो ठीक से काम कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका बजट अगर 15,000 रुपये के आसपास है तो दोस्तों इस फोन का बिल्कुल ही मत खरीदिए, बिल्कुल ही मत खरीदिए। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको जो है इसके बदले में वीवो Z1 पर हो या रेडमी नोट 7 पर हो या दोस्तों और भी कई सारे फोन आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, वो सारे फोन को खरीद लेना चाहिए, इस फोन को ना खरीद के। हाँ मैं मान रहा हूँ इस फोन का जो कैमरा सेटअप है काफ़ी अच्छे होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, डिजाइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप अच्छे कैमरा से करोगे क्या? घंटा आप जो है कैमरा से फोटो खींचोगे उसका अगर ठीक से आप देख नहीं पाओगे क्योंकि आपका डिस्प्ले खराब है। हाँ मान रहा हूँ एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन भाई जो रेजोल्यूशन है वो तो कम है ना। आप अगर अच्छे फोटो खींचोगे भी आपका कैमरा से, उसके बाद जब फोटो को आप जूम करोगे तो भाई फोटो तो फटने लगेगा, क्योंकि आपका डिस्प्ले ठीक नहीं है, आप उस फोटो को ठीक से देख नहीं पाओगे कि आपका आपका जो डिस्प्ले है उसमें जो रेजोल्यूशन कम है, आप फुल एचडी वाले कंटेंट को भी नहीं देख पाओगे। मतलब देख पाओगे लेकिन दोस्तों आपका डिस्प्ले जो है उसमें जो है रेजोल्यूशन कम है, तो दोस्तों जो फुल एचडी वीडियो देखने में जो मजा है वो मजा आप नहीं ले पाओगे, चाहे फोटो में हो चाहे वीडियो में, और गेम्स में तो पूछो मत। तो गेम्स में भी आपको दिक्कत दोस्तों आने वाला है इस फोन का डिस्प्ले की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो इस फोन का बहुत बड़ा कमी है कि इस फोन का प्राइस इतना ज़्यादा रखा गया है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन में आपको उतना सारा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए आपका बजट अगर 15,000 के आसपास है तो इस फोन का बिल्कुल ही ना खरीदे, बिल्कुल ही ना खरीदे भाई, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। हम मतलब देख रहे हैं यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर जो इस फोन का तारीफ करे जा रहे हैं, लेकिन जो सारी चीज़ आपको मैं बताया वही सारी चीज़ शायद उन लोग नहीं बताएंगे। तो 15,000 रुपये के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे से फोन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे अच्छे से फोन आपको देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल से उस सारे फोन का आपको प्रोसेस कर लेना चाहिए इस फोन को ना खरीद के। तो जो भी दोस्तों इस बात आपसे कर रहे थे Mi A3 के बारे में, जो आपको मैं बता चुका हूँ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर इस फोन का कोई भी सवाल आपका मन में है तो दोस्तों प्लीज कमेंट से कमेंट करिए, हम जरूर जरूर कोशिश करें आपका सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद है कि जो जानकारी आपका अच्छा लगा, ये जो वीडियो है आपका अच्छा लगा, वीडियो अगर आपका अच्छा लगा दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले, तो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दोस्तों दबा लीजिएगा, दबा के ऑल कर लीजिएगा, मैं कहूँगा कि हमारे जो नए नए वीडियो में जो लेटेस्ट वीडियो उसका उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेगा। तो जो भी आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो का, तब तक ले जाए हिंद वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।